अपना वोट कांग्रेस पर बर्बाद नहीं करें, हिमाचल प्रदेश की रैली में बोले योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सराहना कर भाजपा की लहर को 12 नवंबर को वोट में बदलने का आह्वान किया। हिमाचल की जनता ने शेर का स्वागत और संबोधन कर उन्हें हर सीट पर कमल फूल खिलाने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश के जनता के बीच लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। हर रैली में जनता से मुताबिक होकर उन्होंने राम मंदिर, हर घर तिरंगा, कोरोना में फ्री में टेस्ट, वैक्सीन व राशन के जरिए केंद्र व राज्यों पर भाजपा सरकार के कार्यों की चर्चा की। वहीं 55 वर्ष में कांग्रेस की नाकामियों के लोगों को सामने रखा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सराहना कर भाजपा की लहर को 12 नवंबर में वोट बदलने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 2023 के अंत में रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत विकसित और सुरक्षित बन गया है। हिमाचल के रन बांकुरों ने सीमा की सुरक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी है। अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा फहराने से भारत के जवानों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया गया।